हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जितने भी सारे बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है असाइनमेंट्स इग्नू या फिर इग्नू असाइनमेंट्स। आप कुछ भी टाइप कर लो, आगे पीछे करके आप टाइप कर लोगे कि बहुत सारे यहाँ पे जो है रेफरेंसेज आपको निकल करके आ जाएंगे। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है, देखो यहाँ पे webservices.ignu.ac.in, इसके ऊपर आपने क्लिक करके वेबसाइट पे विजिट करना है। तो इसको मैं आगे की तरफ बताऊं, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और जो बेल आइकन है इसको दबा दिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। डेली बेसिस पे आपके लिए इसी तरह की यूजफुल वीडियो, साथ ही साथ जो कंटेंट है हमारा बीकॉम का और एमकॉम का, वो भी मैं अपलोड करता रहूंगा। ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट हम लोगों ने अपलोड करके रखे हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको हमारा चैनल शो करेगा, कॉमर्स की पाठशाला। नीचे की तरफ आएंगे, आपको एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सारे के सारे सेमेस्टर्स के टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगे जिनको बहुत ही आसानी से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इग्नू एमकॉम ओल्ड स्टूडेंट है, आई मीन ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पे इग्नू एमकॉम फर्स्ट ईयर, ये देखो ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। अगर आप बीकॉम के स्टडी कर रहे हैं तो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सारे के सारे अवेलेबल करा दिए गए हैं, ठीक है। बीकॉम अगर आप ओल्ड के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे भी आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ हम लोगों ने यूजीसी नेट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो यूजीसी नेट के भी वीडियोस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। और यस, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कोई भी यू नो क्वेश्चन हो आपके मन में रिगार्डिंग असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस और एनीथिंग इफ यू हैव इन योर माइंड, यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माय नंबर व्हिच इज 8101065300, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8101065300। आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल करके ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो असाइनमेंट्स कैसे डाउनलोड करना है, इस वाले वेबसाइट पे आपने जाना है webservices.ignu.ac.in। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखो मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, ये सारे ऑप्शंस निकल के आ गए हैं। मैं सपोज करता हूँ कि आप एमकॉम के स्टूडेंट्स हो तो आपका डिग्री जो कोर्स है वो मास्टर डिग्री कोर्स है, तो आपने मास्टर डिग्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ढूंढना है कि भाई एमकॉम कहाँ है। तो देखो यहाँ पे एमकॉम है, एमकॉम एफएनटी है, एमकॉम बीपीएनसीजी है और एमकॉम एमएएनएफएस है। तो ये जो नीचे के जो आपको तीन सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, आई मीन एमकॉम का जो कोर्स दिख रहा है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। यहाँ पे किसी किसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, इसलिए ये एक जनरल कोर्स नहीं है और ये सारे कोर्सेज सारे जगहों पे ये अवेलेबल होता भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो एमकॉम के लिए एनरोल करते हैं जो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी वाले एमकॉम के ऊपर आपने जो है क्लिक करना है। अगर आपने आपको पता है कि आपने एमकॉम एफएनटी या फिर बीपीएनसीजी में कोर्स में एडमिशन लिया है तो आप बेशक यहाँ पे क्लिक करो, बट अगर आपको सिर्फ एमकॉम क्या ही डाउनलोड करना है, प्लेन एमकॉम अगर आपका है, जनरल एमकॉम है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है दिख जाएंगी। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट जो है यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। अगर किसी को भी चाहिए असाइनमेंट्स, हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अभी नहीं है, अभी चार्जेबल है, एग्जाम के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो अच्छा ठीक है, चलो मैं फ्री कर देता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट्स, मैं फ्री कर देता हूँ फॉर 5 डेज। जिसको भी चाहिए असाइनमेंट्स आप फटाफट मुझे कॉल करो, विद इन 5 डेज मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज उसके बाद अगर आप करोगे 5 दिनों के बाद तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो चार्जेबल पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर स्टिल चार्जेबल है, सेकंड सेमेस्टर चार्जेबल ही रहेगा आपको, दोनों के असाइनमेंट्स लेकिन हमारे पास अवेलेबल है अगर आपको चाहिए। और बहुत ही नॉमिनल सा फी आपसे लिया जाएगा, सिर्फ 50 रुपीज लिया जाएगा पर सब्जेक्ट का, बहुत ज्यादा फी नहीं है असाइनमेंट्स के लिए। और ये पैसे भी आप रिडीम कर सकते हो जब हम नोट्स इशू करेंगे आपके एग्जामिनेशन को लेकर के, आपके फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर के। तो असाइनमेंट्स लेते वक्त जब आप नोट्स लोगे तो आप हमें बोल करके उन पैसों को वहां पे एक तरीके से मैनेज कर सकते हो। सपोज असाइनमेंट जो नोट्स है उसकी प्राइस अगर 1200 है, तो आपने अगर मुझे बताया कि आपने असाइनमेंट्स लिया था तो मैं वहां पे 300 जो आप पे करोगे 6 पेपर के लिए या फिर 4 पेपर की जो भी अमाउंट आप पे करोगे उसको मैं वहां पे रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। आपको फुल पेमेंट नहीं करनी होगी, तो ये बेनिफिट मैं आप सभी को दे रहा हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स अभी फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है, आप फटाफट कॉल करके हमें यू नो असाइनमेंट्स को ले सकते हो। साथ ही साथ जो एमकॉम के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इनके भी असाइनमेंट्स अवेलेबल कर दिए गए हैं, बट ये असाइनमेंट्स लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही कम है, मुझे पता है, क्योंकि ऑलरेडी 2022 स्टार्ट खत्म भी हो गया, 23 अब स्टार्ट हो गया है, तो समय बहुत ही कम बचा है। फटाफट जिनको भी असाइनमेंट चाहिए आप हमारे पास से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपका असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनका एडमिशन जनवरी 2022 में हुआ था और जुलाई 2022 में हुआ था उनका ये वैलिड रहेगा दिसंबर 2022 तक, लेकिन इसको बढ़ाया जाएगा।
जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, किसी भी तरह का कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है। तो फिलहाल यही वाला सेमेस्टर का जो असाइनमेंट है ये आपका चलेगा 2023 में भी, और सेकंड सेमेस्टर में ये वाला असाइनमेंट आपका चलेगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है। मार्च में 30 मार्च से पहले आपका एक ऑफिशियल टाइम होता है, उससे पहले आपको सबमिट कराना होता है। हालांकि डेट एक्सटेंड होते हैं, बट उसके इंतजार में नहीं बैठना, फटाफट असाइनमेंट लेकर के लिखना स्टार्ट कर दो। एग्जामिनेशन की टाइम बहुत ही नजदीक आ जाएगी, असाइनमेंट के नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल तुरंत हो जाएंगे, इसी महीने के एंड तक हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए होंगे आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर द सेम, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं हमारे किसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए। अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।